बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आने दो साहेब के साथ आ जाएंगे। आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत वंदनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच बहुत बहुत थोड़े ही समय में थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। हम सब अभी संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर बात सुन रहे थे। मेरी तो उतनी योग्यता भी नहीं है कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। यहाँ मुझे जब यहाँ बैठता हूँ और देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे छोटा और सबसे अनाड़ी मैं ही हूँ, क्योंकि जितना मैं अभी तक पानी पिया हूँ उससे ज्यादा तो आप लोग दूध पी चुके हैं। नहीं, घी। सही है। फिर भी साहेब जी की आज्ञा है, आज्ञा पालनार्थ बहुत थोड़ी सी बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी हम सब सुन रहे थे कि हम अपने मन को संवारे, अपने मन को सजाएं। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर चलता है। जैसे गाड़ी गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। कोई भी गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चलती है। वैसे ही हमारे इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाला हमारा मन है। आप सब यहाँ तक आए हैं, कैसे आए हैं? आपके मन में एक विचार आया कि भाई इलाहाबाद जाना चाहिए, संतों के विचार सुनना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने की कला सीखनी चाहिए। तो ये बात कहाँ आया? हमारे मन में आया। ये हमारा मन ही है जो हमें जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा देता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए जो प्रेरणा देता है वह ड्राइवर ये हमारा मन ही है। किंतु बंधुओं, याद रखने की आवश्यकता है कि यदि यही मन अच्छा है तो हमें सत्संग में ले जाता है, और यही मन यदि बुरा हो गया तो हमें मैखाने और गंदी जगहों में ले जाता है। अब करना क्या है? जब यही मन हमें अच्छी जगह ले जाता है और बुरी जगह भी ले जाता है तो करना क्या है? करना तो साफ साफ है साहब, इसे ही सुधार लेना है और इसे ही संवार लेना है। अपने मन को सजाने का काम करें, अपने मन को संवारने का काम करें। और मन को सजाया कैसे जाता है? आप सब अपने घर को सजाते हैं तो करते क्या है? कूड़ा कचरा को क्या करते हैं? अंदर रखते हैं, बाहर करते हैं ना? अपने मन में भी वही काम करना है। सद्गुणों को अपने मन में रखना है और दुर्गुणों को बाहर करते जाना है। अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाना है और बुरे विचारों को जीवन से बाहर कर देना है। हर समय जो हम सोचते हैं उस पर काम करना है हमें। हमारे मन को संवारे तो संवारे कैसे? हर बार ये एक प्रश्न उठता है कि मन को संवारने के लिए तो संत गुरुजन कहते हैं, पर उस मन को संवारे कैसे? बंधुओं, मन को संवारने के लिए हमें आवश्यकता है अपने विचारों को संवार ले। हम अच्छा सोचें। क्यों? क्योंकि हम आज जो सोचते हैं वही हमारा आने वाला भविष्य है। आज यदि हम सोचते हैं कि हम कल घर जाएंगे तो हम सब कहाँ होंगे? कल अपने घर में होंगे। आज यदि हम सोचें कि हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो कल हम क्या होंगे? कल हम दूसरी जगह चले जाएंगे। वैसे ही यदि हम चाहें कि आज हमारा मन अच्छा हो जाए और उसके लिए काम करना शुरू कर दें। अभी साहेब जी ने कहा ना, एफर्ट्स,
प्रयत्न प्रयास इसकी आवश्यकता है। हम सब प्रयास ही नहीं करते हैं। माताएं बहनें जब भोजन बनाना सीखती हैं तो क्या करती हैं, एक दिन भोजन बिगड़ जाता है, दूसरे दिन थोड़ा अच्छा बनता है, तीसरे दिन और अच्छा बनता है और चौथे दिन अवार्ड देने लायक भोजन बना के देती हैं आप लोगों को। पर आप उन्हें हमेशा ताना मारते हैं। वो चाहे जितने अच्छे भोजन बना दें, लेकिन बंधुओं के मुख से कभी भी धन्यवाद के शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ उसमें निंदा के शब्द ही मिलते हैं, नुक्ता चीनी ही मिलती है। हम अपने जीवन को देखें, गलतियां अगर ढूंढनी हैं तो अपने अंदर ढूंढें और अच्छाइयां अगर ढूंढनी हैं तो दूसरों के अंदर ढूंढें। लेकिन हम करते क्या हैं? दूसरों की बुराइयां हमें आसानी से दिख जाती है साहब, अपने अंदर जो बुराइयां भरी है ना वो कभी किसी को नहीं दिखती। हमें अपने जीवन को देखना है, अपने विचारों को देखना है और इन्हें ही सजाकर, इन्हें ही संवार कर हम अपने जीवन को सजा सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि मनवहि कहउ रहउ मन मारे खिजवा खीज न बोले हो। कितना प्यार से सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनवहि कहउ, अपने मन को कह दो कि अपने आप को संभाल कर रखे। हमें अपने मन को कहना है कि हे मन, मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, अपने जीवन को सजाना चाहता हूँ, संवारना चाहता हूँ और इसके ड्राइवर तुम हो। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से अच्छे विचार सोचना शुरू कर दो। अपने मन से कह दीजिए कि हमारा मन अच्छे ढंग से सोचना शुरू कर दे। और इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। हम अपने जीवन को देखें, अपने मन को सजाने का काम करें, अपने स्वभाव को सुधारने का काम करें और अपने जीवन को अच्छाई की तरफ सदैव बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।